अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन ब्यूटी टिप्स। व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। व्यूअर्स आज जो मैं टिप आपको बताने जा रही हूँ ये एक बहुत अच्छी ब्यूटी टिप बल्कि एक उपटन बनाना बता रही हूँ मैं आपको, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही वर्स्ट बेस्ट उपटन से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इनके इसके इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही सिंपल और सादा हैं और इजीली मिल जाने वाली हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। व्यूअर्स आप इसको मेरे कहने पर एक मरतबा इस्तेमाल करके देखें, ख़ासतौर पे वो गर्ल्स जिनकी आजकल शादी होने वाली है या जो न्यूली मैरिड हैं उनके लिए ये उपटन तो बहुत ही बेस्ट है। आप इसको जो है डेली बनाएं और डेली यूज़ करें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप मुझे दुआओं में याद करेंगे। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होती हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं और ये एक बहुत ही सिंपल सा और अच्छा उपटन है जो कि हमारे फेस के तमाम इम्प्योरिटीज़, ऑयल और डस्ट को जो है बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है और फेस को एक अच्छा ग्लो देता है। ये देखिए मैंने एक लेमन जूस पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, एक लेमन का जूस निकाला हुआ है और उसके साथ ही है उपटन। अब मैं एक लेमन जूस में जो है 2 टीस्पून जो है बेसन ऐड कर रही हूँ और उसका जो है मैंने बेसन ऐड किया और उसको एक अच्छे से पेस्ट के फॉर्म में लेके आऊँगी। आपने एक लेमन के जूस में 2 चाय के चम्मच आपने उपटन जो डाला है उसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बनाना है। और फिर उसके बाद जो है उसमें आपने 2 विटामिन ई 400 mg के 2 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल के आपने यूज़ करने हैं। और विटामिन ई ऑयल जो है ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से नरिश करता है, ख़ास तौर पे आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, मौसम के चेंजिंग की वजह से हमारी स्किन में भी चेंजिंग आ जाती है और हमारी स्किन भी जो है ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। और विटामिन ई ऑयल के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसको उनके इसके फ़ायदे बनाने के लिए बताने के लिए भी मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। व्यूअर्स ये देखिए मैंने दोनों विटामिन ई कैप्सूल जो है इसमें ऐड किए हैं। अब हमें इसको एक पेस्ट इस मिक्स पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ कि ये देखेंगे ये पेस्ट जो है बिल्कुल उपटन की फॉर्म में आ गया है और बिल्कुल स्मूथ सा उपटन बन गया है। अब अगर आप इसको 5-10 मिनट के लिए अगर इस उपटन को रखते हैं तो बहुत अच्छा है और इसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे बाद में यूज़ करने से। आप ये देखें अब इस पेस्ट को जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बनाया है, इसको मिक्सचर को मिक्स करके अब आपने जो है इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आपने अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करना और फेस पे अपने हल्के हाथों से अप्लाई करना और सर्कुलर मोशन में जो है आपने मसाज करना है, क्योंकि फेस की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, हम फेस की स्किन को ज़्यादा रब नहीं कर सकते। इतना आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि फेस की तमाम डस्ट और इम्प्योरिटीज़ ऑयल जो है वो इस तरह से रिमूव हो जाए इस उपटन से। आपने इस तरह से हल्के हल्के से देखिएगा आप कि किस तरह से ये उपटन जो है अपना काम दिखाता है, काम करता है कि आपके फेस की तमाम डस्ट इम्प्योरिटीज़ और ऑयल को ख़त्म करता है और उसमें जो आपकी स्किन में ग्लो लेकर आएगा। ये देखें आपको ग्लो साफ सही हो रहा है, देखें रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। ये एक बहुत ही अच्छा उपटन है, ये देखें आप इस उपटन के रिज़ल्ट आपको साफ नज़र आ रहे हैं। आपने इसी तरह से अपने फेस पे ये अप्लाई करना है और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। आपने पूरे फेस पे, अपने नेक पे और ख़ासतौर पे आप अपनी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आजकल जिनकी शादी होने वाली है वो तो अपनी बॉडी पे भी यूज़ करें तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उनकी स्किन जो है बहुत अच्छी शाइनिंग और ग्लोइंग हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, और व्यूअर्स प्लीज़ अगर आपको मेरी ब्यूटी टिप्स अच्छी लगी है, ये उपटन अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।